नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉकचेन बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी क्या है, किस बेस पर बिटकॉइन का नेटवर्क काम करता है और जो बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शन है वो कैसे सेव होता है, कैसे वेरीफाई होता है और जो बिटकॉइन का जो भी ट्रांजैक्शन है ब्लॉकचेन के अंदर सेव होता है तो ब्लॉकचेन क्या है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी क्या है, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है, ट्रांजैक्शन कैसे वेरीफाई होते हैं, कैसे ब्लॉक बनते हैं, कैसे माइनिंग होती है, ये सब चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। तो कृपया करके आप ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बिटकॉइन क्या है, थोड़ा बिटकॉइन के बारे में आपको वैसे पता होगा, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बिटकॉइन का जो नेटवर्क है वो 2009 से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद से अब तक चल रहा है 6 रुपये से लेकर के अब 2,20,000 रुपये तक जा चुका है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो बिटकॉइन का जो भी नेटवर्क है, जितने भी बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन हैं ब्लॉकचेन में वेरीफाई होते हैं। तो बिटकॉइन का और ब्लॉकचेन का एक कनेक्शन है, जिस तरह से बैंक में जितने भी ट्रांजेक्शन अपने रिकॉर्ड रहते हैं, बैंक से पैसा निकालना, जमा करना, जो भी है सारा रिकॉर्ड बैंक रखता है, यहाँ पे बिटकॉइन का जितना भी रिकॉर्ड है ट्रांजेक्शन का वो ब्लॉकचेन यहाँ पे एज ए बैंक काम करता है। तो ब्लॉकचेन क्या है उसके बारे में आप जानिए। तो बिटकॉइन का जो भी ट्रांसफ़र है BTC का फ्रॉम ए टू बी या सी कहीं भी, सारे के सारे रिकॉर्ड ब्लॉकचेन रखता है और ब्लॉकचेन का जो ट्रांजेक्शन है वो एक ओपन सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस पे बना है। तो बिटकॉइन जो टेक्नोलॉजी है उसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। तो ओपन सोर्स का मतलब ये है कि खुला बाजार, आप भी अपना नेटवर्क क्रिएट करके बिटकॉइन से पेमेंट नेटवर्क अपना ले सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अपने पैसा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो टेक्नोलॉजी ये किस बेस पे बनी है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का मतलब ये है ब्लॉक इसमें अलग है, चेन इसमें अलग है, ब्लॉक के साथ चेन जुड़ी हुई है। हर बार एक ब्लॉक क्रिएट होता है और जैसे वो पुराना होता है फिर एक नया ब्लॉक क्रिएट होता है, फिर एक नया ब्लॉक क्रिएट होता है, इस तरह एक पूरा चेन में काम करता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है ब्लॉक चेन। तो आपको ये बता रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है इसमें क्या होता है कि इनक्रिप्टेड कोड होते हैं। इनक्रिप्टेड कोड का मतलब ये होता है कि मैथमेटिकल एल्गोरिथम बेस के ऊपर ये प्रोग्रामिंग की गई है और इसका सॉफ्टवेयर है वो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। और ओपन सोर्स जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे बनी, वो पीयर टू पीयर नेटवर्क आपने सुना होगा। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। सपोज कीजिए ये पीयर टू पीयर में ये डिस्ट्रीब्यूटेड जितने भी क्लाइंट होते हैं, एक सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है, तो सेंट्रल सर्वर होता है उसमें जो भी है डाटा सेव होता है अपना, और उसके बाद ये क्लाइंट जुड़े होते हैं ABCD। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है कि हम इजीली से अपना नेटवर्क एक्सेस कर सकते हैं, हमारा जो मेन PC है, हार्ड ड्राइव है, वो एज ए सर्वर भी काम करता है और एज ए इंडिविजुअल भी काम करता है और एज ए नेटवर्क भी काम करता है। सपोज करो एक ये यहाँ से पीयर टू पीयर नेटवर्क का ये ब्लॉक, हम इसको ये पोजीशन को यहाँ से हटा दे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नेटवर्क के ऊपर, क्योंकि इसका जो भी डाटा है वो यहाँ पे सेव हो रखा ऑलरेडी और इसका जो भी डाटा है वो यहाँ पे सेव हो रखा है, यानी कि जो नेटवर्क है ये पूरे का पूरा रिकॉर्ड रखता है ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन का। तो और नेटवर्क रिकॉर्ड कैसे रखता है, क्योंकि जो इसकी टेक्नोलॉजी बेस है वो पीयर टू पीयर नेटवर्क के ऊपर डिपेंड है। जस्ट लाइक BitTorrent सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा मूवी डाउनलोड करने का, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड, सेम टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो इस नेटवर्क में क्या होता है, जैसे हम अपना ट्रांसफ़र करते हैं, किसी को मनी ट्रांसफ़र करते हैं अपने कंप्यूटर से, तो ब्लॉकचेन कैसे काम करता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये ए वांट टू सेंड मनी टू बी, सपोज करो ए ने अपना जो भी BTC से वो बी को सेंड किया, लेकिन ए से बी तक सेंड करने में जो प्रोसेस होती है ब्लॉकचेन की वो कैसे होती है वो मैं बता रहा हूँ। आपने अपने लैपटॉप से या मोबाइल से ब्लॉकचेन वॉलेट से मनी ट्रांसफ़र किया ए टू बी, उसके बाद ये जाएगा इधर, द ट्रांजेक्शन इज रिप्रेजेंटेड ऑनलाइन एज ए ब्लॉक। तो जो आपका जो ट्रांजेक्शन है, आपने पैसा तो सेंड कर दिया लेकिन वो जो पैसा सेंड करने से पहले वो आपका ट्रांजेक्शन जाएगा ब्लॉक में। तो ब्लॉक क्या होता है, एक ब्रॉडकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के ऊपर एक चैनल होता है। तो जितने भी नेटवर्क हैं
उन सभी में छोटे 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 ब्लॉक बने होते हैं, ठीक है। द ब्लॉक इज ब्रॉडकास्ट टू एवरी पार्ट इन द नेटवर्क। उसके बाद क्या होता है, ये जो नेटवर्क होता है उसको जो ट्रांजेक्शन होता है उसको वो देखता है, अप्रूव करता है क्योंकि ये पेरेंट वॉलेट से आया है या नहीं। जैसे ए ने बी को सेंड किया है तो ए के पास कहाँ से आया, ए के पास भी कहीं से आया होगा पेरेंट वॉलेट से, तो उस पेरेंट वॉलेट से ए तक का ट्रांजेक्शन पहले वेरीफाई होता है। दोज इन द नेटवर्क अप्रूव द ट्रांजेक्शन इज वैलिड। अगर वो वैलिड है ए तक तो ही वो ए से बी में आएगा, और ए से बी में आने के लिए सबसे पहले उसको जो ब्लॉक होते हैं वो जो नेटवर्क होते हैं उससे वो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करवाते हैं। ए से बी के बीच में जितने ब्लॉक बनेंगे वो नेटवर्क के थ्रू ट्रांजेक्शन वैलिड है या इनवैलिड है उसको वेरीफाई करते हैं। फिर क्या होता है, ब्लॉक जब बन जाता है तो उसके बाद उसकी एक हो जाती है चेन बन जाती है, ठीक है, ए टू बी के बीच में। तो उसके बाद क्या होता है कि जब जैसे नया ब्लॉक बन के निकलेगा उस ब्लॉक में आपका बीटीसी रहता है, वो जो ब्लॉक होता है वो कुछ भी नहीं होता है, एक इनक्रिप्टेड कोडेड होता है, एल्गोरिथम होती है, मैथमेटिकल एल्गोरिथम होती है। जब वो वेरीफाई हो जाएगा ना तो वेरीफाई होकर के फिर उसकी बन जाएगी एक चेन, तो चेन के रूप में जितने ब्लॉक है वो आगे मूव करेंगे और फिर बी के पास वो आपका बीटीसी यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ए टू बी में आने में 3 से 4 स्टेप वेरीफाई करवाने होते हैं। सबसे पहले तो ब्लॉक बनता है, ब्लॉक के बाद उस ब्लॉक को नेटवर्क के ऊपर वेरीफाई करवाया जाता है कि पेरेंट वॉलेट से कितना बीटीसी आपके पास आया, कहाँ से आया। जब वो वेरीफाई हो जाता है उसके बाद बनता है ब्लॉक, और फिर जब ब्लॉक का जो नेटवर्क है उसको जो ट्रांजेक्शन है उसमें रिकॉर्ड हो जाता है कि आपका ए से बी में जो आया और जो ट्रांजेक्शन हैश बनेगी वो इस ब्लॉक में रिकॉर्ड हो जाती है। फिर वो ट्रांजेक्शन हैश ब्लॉक बन जाएगा, ब्लॉक के बाद वो आगे उसको रिकॉर्ड को मेंटेन करते हुए आगे बी तक को पहुंचाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे वो जो ट्रांजेक्शन होता है उसमें क्या क्या होता है, ब्लॉक ब्लॉक के अंदर एक तो फाइल हैश होती है, एक डाटा लोकेशन होता है ए का, और एक मर्कल रिबूट रूट होता है ए का, और जो ये है ये कहाँ से जो आया बी से जो आया वो सारा इसमें रिकॉर्ड होता है, कोडेड होता है, जस्ट लाइक इनक्रिप्टेड कोड होता है वो ट्रांजेक्शन में, और उसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन हैश। तो जब तक ये ट्रांजेक्शन हैश, जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन वेरीफाई हो जाएगा तो आपको एक ट्रांजेक्शन हैश मिल जाएगी उस पर्टिकुलर बीटीसी अमाउंट के। उस ट्रांजेक्शन हैश के द्वारा आप पता कर सकते हैं कि आपका जो ट्रांजेक्शन कंफर्म हुआ या अनकन्फर्म हुआ या पेंडिंग वेरिफिकेशन है अभी ट्रांजेक्शन के। तो मेरे पास काफ़ी रिकॉर्ड हैं, जो भी हम बोलते हैं कि हमारा बीटीसी नहीं आया, बीटीसी नहीं आया, पिछले एक महीने से ये प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि जापान ने इसको लीगलाइज कर दिया, रशिया ने कर दिया, यूक्रेन ने भी लीगलाइज कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी कर दिया है, जिम्बाब्वे ने कर दिया है। तो जैसे जैसे इसके सर्वर पर लोड पड़ता है तो जितने भी जो ट्रांजेक्शन है ना ये वेरीफाई नहीं हो पाते। जैसे मैं, मेरी कोई कंपनी है, मेरे पास $1,00,000 है, मैंने अपने क्लाइंट्स को सेंड कर दिया और क्लाइंट्स ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारे पास बीटीसी तो आया ही नहीं, तो मैंने अपने जो ब्लॉकचेन का जो वॉलेट है वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया ऑलरेडी, ये मेरे कुछ पेंडिंग ट्रांसफर दिखा रहा हूँ मैं आपको, लेकिन जब तक ये ट्रांजेक्शन कंफर्म नहीं होंगे तब तक आपके पास बीटीसी नहीं पहुँचेगा, और मैंने $1,00,000 का ट्रांसफ़र आपको कर दिया और मैं दोबारा करूँ तो मेरे को तो लॉस में जाएगी मेरी कंपनी, तो क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया आपको। लेकिन वो ब्लॉकचेन की जो प्रॉब्लम है वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब तक ट्रांजेक्शन वेरीफाई नहीं होगा तब तक आपके पास बीटीसी नहीं पहुंचेगा। आज हर कंपनी के पास यही प्रॉब्लम है, इसी की वजह से क्या करते हैं लोग, कंपनी के प्रति नेगेटिव हो जाते हैं कि ये तो पैसा नहीं दे रही, हमारा बीटीसी नहीं दे रही, ये नहीं दे रही। तो नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, जो एक्चुअल फैक्ट है वो मैंने आपको समझा दिया है कि ब्लॉकचेन का जो नेटवर्क होता है उसमें ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करवाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मेरा जो ब्लॉकचेन का वॉलेट है इसके अंदर अभी मैंने नो एक्सचेंज के अंदर भी ट्रांसफ़र किया था, दूसरी साइट्स पे भी मैंने ट्रांसफ़र किया था, तो मेरे जो ट्रांजेक्शन है ये रेड कलर में आप देख रहे हैं, अनकन्फर्म ट्रांजेक्शन है। अब इसको कैसे मैं चेक करूँ कि पैसा पहुँचा है कि नहीं, तो मैं ये ट्रांजेक्शन हैश है, सबसे पहले तो आपको ट्रांजेक्शन हैश निकालना आना चाहिए अपने बीटीसी वॉलेट से, blockchain.info वॉलेट से यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद ये छोटा सा एरो है यहाँ पे क्लिक करो, उसके बाद ये ट्रांजेक्शन हैश आपका ओपन हो जाएगा और इसको पूरे को कॉपी करो। अभी मैं ये राइट साइड में शो कर रहा है रेड कलर में कि मेरा